हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के नए फीचर्स के बारे में जो कि 2021 में आया है। और तो सबसे पहले फीचर है स्काई रिप्लेसमेंट। तो आप सबसे पहले एडिट में जाएंगे, उसके बाद स्काई रिप्लेसमेंट, देन ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी स्काई अपना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं ये लेता हूँ, ये देखिए, नीचे में आपको और भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इसके ऐसे एक लेयर बन के आएगी, आपका ओरिजिनल भी रहेगा देन ये भी। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे फीचर्स की तरफ। दूसरा फीचर है हमारा न्यूरल फिल्टर। तो ये आपको फिल्टर में मिलेगा, फिल्टर में जाएंगे देन न्यूरल फिल्टर। इसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर मिले हैं। सबसे पहले स्मूथिंग का, मैं पहले फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। स्मूथिंग ये आपका यहाँ पे होने लगेगा, ये देखिए। देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, उसके बाद है स्टाइल ट्रांसफ़र। इसमें क्या है, इसमें आप मोस्टली एक पेंटिंग की तरह आप इफ़ेक्ट दिखा सकते हो। जैसे इन्होंने बहुत सारे ऐड किए यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे पेंटिंग के इफ़ेक्ट ऐड किए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर कर के देख सकते हो जो भी आपको बेटर लगे। फिर आते हैं नीचे बेटा फिल्टर में। बेटा फिल्टर में स्मार्ट पोर्ट्रेट को आप ऑन करोगे यानी इसके फीचर खुल जाएंगे। इसके आपको मान लो आई को मूवमेंट कराना है, जैसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दिखाना है, देन राइट ये अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के बाद ये देखिए, देन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह आप हेयर का कर सकते हो, हेड का कर सकते हो, लाइट, सब कुछ आप एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो अब हम चलते हैं एक और प्लगइन। इन्होंने प्लगइन के लिए एक अपना वो दे दिया है। अगर आप जैसे भी कोई भी प्लगइन आपको डाउनलोड करना है, आप ब्राउज प्लगइन पे कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी प्लगइन आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, रिफाइंड एज एज। तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट, देन गो टू सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंड मास्क। फिर आपको करना है रिफाइन हेयर। रिफाइन हेयर के बाद आप ओके कर दीजिए और यहाँ जाइए, देन मास्क। ये देखिए दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर की तरफ। पहले आप एक न्यू लेयर ऐड करते हैं, देन हम जाते हैं व्यू में एंड पैटर्न व्यू। हेल्पफुल, यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको चाहिए। ये देखिए, वापस नॉर्मल मोड में करने के लिए व्यू में जाके दोबारा इस पे क्लिक कर दो तो वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता हमारा नेक्स्ट, ये जो सर्च का आइकन दिख रहा है आपको,
पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्कवर का पैनल खुलेगा, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें दिया हुआ है ये तीन चार हमें ऑप्शन मिले हैं नए वाले। रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपको जैसे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो जस्ट हमें अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथ, ये देखिए। मैं एक मिनट यहाँ पे मैं नीचे कोई सॉलिड कलर लेके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसने एज एकदम बहुत ही बारीकी से रिमूव किया, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो गया हमारा। अब ब्लर बैकग्राउंड, अगर जैसे कोई भी आपके पास इमेज है, अगर आपको उसका बैकग्राउंड सिर्फ ब्लर करना है तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ इसका भी येलो बैकग्राउंड है, ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका तो हमारा कलर ही दिखेगा हमें जैसा है, लेकिन बैकग्राउंड को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर देता है। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।